हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हॉरर स्लैशर फिल्म फियर स्ट्रीट पार्ट 1 1994 को, जिसके टाइटल से ही आपको ये बात बिल्कुल साफ साफ पता चल जाती है कि इस फिल्म के और भी पार्ट्स आएंगे, जिसे इसी मंथ में पूरी तरीके से ट्रिलॉजी के तौर पर कम्प्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि हर हफ्ते इस फिल्म के एक पार्ट को रिलीज किया जाएगा। इट मीन्स की अगली 9 तारीख को इस फिल्म का सेकेंड पार्ट आएगा ईयर 1978 का, और फिर इसी महीने की 16 तारीख को इस ट्रिलॉजी का फाइनल पार्ट ईयर 1666 आएगा। जो एक और बात क्लियर करते हैं कि ये फिल्म टाइमलाइन के हिसाब से पीछे जाने वाली है, लेकिन अभी के लिए तो इस फिल्म का पूरा फोकस 90s की टाइमलाइन पर रहता है, जो क्लियरली इस टाइमलाइन का प्रेजेंट है, जिस प्रेजेंट को लेकर हमारी कई सारी कंफ्यूजन भी है, और ऑब्वियसली वो कंफ्यूजन तो इस फिल्म की ट्रिलॉजी के कम्प्लीट होने के बाद ही खत्म होगी। इसलिए ये बात भी आप काफी अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डालकर रख लीजिएगा और इस रिव्यू को भी उसी हिसाब से देखिए, क्योंकि जब इसके बाकी के पूरे पार्ट्स रिलीज हो जाएंगे तब ये रिव्यू उतनी ज्यादा सरप्राइजेस भरा नहीं रहेगा जितना अब इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को देखकर आपने और मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि तब तक इस फिल्म के यूनिवर्स के सारे राज हमारे सामने आ जाएंगे और उसी हिसाब से रेटिंग्स भी चेंज होती है। लेकिन मेरी ये रेटिंग मैं सिर्फ इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को ही देखकर ध्यान में रखकर दे रहा हूँ। लेकिन उन डिटेल्स में जाने से पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बिल्कुल स्पॉइलर फ्री डिटेल्स के बारे में, जिसकी कहानी का फोकस ऑब्वियसली ईयर 1994 पर किया गया है, जिस कहानी में हमें 5 टीनेजर्स दिखाए जाते हैं और एक ऐसा टाउन जो 2 हिस्सों में बटे हुए है। एक टाउन का नाम है सनीविला, जहां के लोग काफी अच्छी तरीके से रहते हैं और वहाँ पे एजुकेशन या फिर कह लो सभी के सभी चीजें बिल्कुल ठीक है, और इसी तरफ सेडी साइड टाउन भी है जहाँ की हिस्ट्री ही बहुत ज्यादा खराब है और आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, खास करके मर्डर्स, और उसके चलते कई लोग मिसिंग भी है। लेकिन किसी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि ये मर्डर्स इस शेडी साइड के टाउन में क्यों होते हैं, इसलिए एक मिथ भी चलती है जिसका टीनेजर्स मजाक उड़ाते हैं कि ये टाउन श्रापित है सारा फ्लेयर नाम की विच से, जिस बात पर यकीन फिलहाल तो इस शो की लीड डीना बिल्कुल भी नहीं करती। बाकी उसका भाई जॉश इस ईयर का इंटरनेट नर्ड है, जिन्हें 90s के टाइम पर पागल ही कहा जाता था, और इसके अलावा डीना की बेस्ट फ्रेंड केट है जो काफी ज्यादा स्मार्ट है, और वही स्मार्टनेस के साथ हमें एक लूजर भी दिखाया जाता है साइमन नाम का, जो दिल का तो बुरा नहीं है। उसके अलावा डीना अपने ब्रेकअप से भी डील कर रही है, जो ब्रेकअप उसका सैम से हुआ है, यानी कि सैम उसे छोड़कर सनी विला में रहने चली गई है, और इसी दौरान टाउन में काफी फ्रेश मर्डर भी हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी शेरफ गुडी को दी गई है, यानी कि ये मर्डर बस एक शुरुआत है, आगे और भी काफी कुछ बुरा होने वाला है, खास करके इन टीनेजर फ्रेंड्स के ग्रुप को लेकर, जिस मुसीबतों से ये सभी किस तरीके से डील करते हैं और क्या वो लोग बचकर निकल भी पाए या नहीं, वही सारी की सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म फियर स्ट्रीट पार्ट 1 1994 को, जिस फिल्म की लेंथ लगभग 1.5 घंटे की है, और क्या आपको आपका कीमती समय अभी इस फिल्म को देना भी चाहिए या नहीं, चलिए उन डिटेल्स पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। You can't stop it. तो फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं अब आपके दिमाग में जो डाउट चल रहे होंगे इस फिल्म को लेकर वो भी दूर कर देता हूँ। जैसे कि आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो या नहीं, तो जवाब है ना, क्योंकि इस फिल्म में कुछ छोटी सी न्यूडिटी और काफी सरप्राइजिंग ब्रूटल मर्डर दिखाए गए हैं। इसके अलावा इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है, और नो डाउट इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी काफी अच्छी है, और हाँ ये फिल्म भी, जी हाँ मुझे लगता है ये इस साल की काफी बेस्ट और बनाई गई परफेक्ट स्लैशर हॉरर फिल्म है, जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। इट मीन्स कि इस फिल्म के 1.5 घंटे कब निकल जाएगी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और मैंने काफी समय के बाद एक ऐसी काफी अच्छी और परफेक्ट बनाई गई स्लैशर फिल्म को एंजॉय किया है, जिन्हें देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, और खास करके फिल्म 60s, 90s या फिर 80s के टाइम पीरियड पर बनी हो तो फिर एंजॉयमेंट का लेवल तो आसमान पर ही रहता है। और आज की तारीख में अगर 80s और 90s के टाइम पर टीनेजर्स को लेकर कोई भी हॉरर या फिर स्लैशर फिल्म बनाई जाती है, तो लोगों का अटेंशन वैसी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स पर बहुत ही जल्दी जाता है, और हाँ सीरीज पर भी, जिसमें स्ट्रेंजर थिंग्स इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर रहती है। और बात करें इस फिल्म की, तो इस स्लैशर फिल्म में आपको कई सारी पुरानी 60s, 70s और 80s की फिल्मों के रेफरेंस देखने मिलते हैं, जिनमें क्रिटिक्स का तो ज्यादातर तो दावा स्क्रीम फिल्म के ही रेफरेंस पर है। लेकिन ये फिल्म स्क्रीम के अलावा कैबिन इन द वुड, जेसन यानी के फ्राइडे द 13th, नाइटमेयर, शाइनिंग और हॉलोवीन जैसी फिल्म तक का आपको फील करवाती है, जिसमें रेफरेंस भी फिल्म के डायरेक्टर लिक जैनी की तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया है, जिन्होंने इसके पहले साल 2014 में हनीमून नाम की हॉरर थ्रिलर फिल्म भी बनाई थी, यानी कि उन्हें हॉरर फिल्मों की काफी अच्छी पकड़ है, और इसी टैलेंट को देखकर नेटफ्लिक्स ने उन्हें हायर किया, जिसमें नो डाउट वो पूरी तरीके से बिल्कुल खरी उतरती है और फैंस को वही देती है जो फैंस हॉरर स्लैशर फिल्मों से चाहते हैं। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि आरएल स्टाइन की लिखी गई नॉवेल्स पर बाकी के और 2 पार्ट्स इसी लेवल के रहते हैं या फिर उनका लेवल कम होगा, क्योंकि इस फिल्म ने एक बहुत ही अच्छी खासी हाइप क्रिएट कर दी है, जिसके चलते मैं इस फिल्म के बाकी पार्ट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी फियर स्ट्रीट्स के यूनिवर्स में मैं और भी कहानियों के चैप्टर देखना पसंद करूंगा अगर इस फिल्म की ट्रिलॉजी फर्स्ट पार्ट के लेवल की ही रहेगी तो,
क्योंकि आर.एल. स्टाइन की लिखी गई फियर स्टील की सारी नॉवेल्स ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है, जिसकी अडेप्टेशन अगेन मैं कहूंगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से की गई है। बाकी बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट्स की, तो उन चीजों पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि ये फिल्म आपको वो सब सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं देती। लेकिन अब जबकि मैं रिव्यू कर रहा हूं, तो मैं ऑनेस्टली कहूंगा कि इस फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर ज्यादा रिसर्च अभी के लिए तो जानबूझकर नहीं की गई है। लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स हमारे सामने इस फिल्म में प्रेजेंट किए गए हैं, खास करके टीनेजर्स, तो उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट ओके सी है। बाकी जो एडल्ट है, उनका पास तो बाकी के फिल्मों के ही पार्ट्स में खुलेगा, इसलिए उनकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट को लेकर मैं अभी कुछ भी बात नहीं करूंगा। और अगर आप इस फिल्म में अपने फेवरेट कैरेक्टर को पिक करोगे, तो उसके ज्यादातर तो चांसेस केट और साइमन पर ही आकर रुकेगी आपके भी, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर इस पूरी फिल्म में जान डाले रखते हैं। बाकी जॉर्ज का काम भी आपको पसंद आएगा, और हाँ, डीन और समैंथा भी। और अब बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन की, तो फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, जो हमें सीधे 90s की टाइमलाइन में ले जाता है। उसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग भी कमाल की है, जिसमें चार चांद लगाने का काम इस फिल्म में BGM करता है, और हाँ, सॉन्ग के सिलेक्शंस भी। और अब चलिए फिल्म की बाकी डिटेल्स मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन, हॉरर और थ्रिल की, तो इन तीनों ही कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और याद रहे, एक्शन को मैंने रेटिंग इस फिल्म के स्लैशर के हिसाब से दी है, ना कि ये सोच करके इस फिल्म में आपको बाकी दूसरी ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड की मसाला फिल्मों के जैसे एक्शन देखने के लिए मिलेंगे। बाकी फिल्म के हॉरर का लेवल भी ठीक है, और थ्रिल के लिए तो पूरा क्रेडिट मैंने इस फिल्म के BGM को ही दिया है, और हाँ, सॉन्ग के सिलेक्शंस को भी, जिसमें भले से ही जंप स्केयर काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्यों ना लगे, लेकिन फिर भी उन्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, खास करके तब जब उनकी प्रेजेंटेशन ही बहुत अच्छी तरीके से की जाए, और इस फिल्म में आपको वो प्रेजेंटेशन कमाल की मिलती है। और अब आ जाए फिल्म की कॉमेडी पर, तो कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी इस फिल्म के लिए 5 में से 2.5 स्टार की, यानी कि आपको इस फिल्म में अच्छे खासे डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं, जिन्हें सुनकर आपको हंसी आएगी। उसके बाद बात करें ड्रामा और सस्पेंस की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि सस्पेंस के नाम पर अब भी कई सारे राज खुले नहीं है, और ड्रामा के लिए 3 रेटिंग, क्योंकि स्टोरी काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ी है, भले से ही फिल्म प्रेडिक्टेबल क्यों ना हो। इसके बाद बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये काफी अच्छी फिल्म रहेगी, जिसके चलते ये रेटिंग बनती है A+ की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को ये फिल्म ठीक ठाक सी लगी है, जिसके चलते उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग है B की। और बात करें मेरी, तो मैं इस फिल्म को A- की कैटेगरी में रखूंगा। रीजन मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इट मींस कि आपको ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस फिल्म को बहुत एंजॉय किया है। आई होप आप भी इस फिल्म को देखते वक्त बिल्कुल वैसा ही फील करोगे। और अगर आपने फिल्म देख ली है, तो आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर भी। तो फिर क्या, अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।